बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अमो इब्राहिम किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, बस काफ़ी अर्सा थोड़ा गायब रहे, आपको मेरी कोई वीडियो नज़र नहीं आई होगी। मेरे चैनल का कुछ इशू हो गया था, एड्स नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से मैं काफ़ी परेशान थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस मसले को कैसे हल करना है। एनीवे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा इशू सॉल्व हो गया, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोबारा तावन करेंगे और मिलजुल के हम इसी तरह साथ चलते रहेंगे। तो अभी मैं लंच में बना रही हूँ करेले। लहसुन के भी 3-4 जवे मैंने बारीक बारीक कट करके डाल दिए हैं। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए। और ये मेरे पास बोनलेस चिकन है, इसको भी बस 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेते हैं। चिकन का कलर भी चेंज हो गया, बोनलेस है, कोई इतना इशू नहीं है। तो अब ये मैं इसमें साथ ही टमाटर और सब्ज़ मिर्च ये डाल देती हूँ। अभी हम इसमें सारे मसाला जात डाल देंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये सूखा धनिया। मसाला अच्छा सा भुन चुका हुआ है, तो अभी हम इसमें करेले डाल देंगे, करेले जो मैंने पहले फ्राई करके रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, झटपट से जल्दी सी रेसिपी बनने वाली है। हमारे चिकन और करेले रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी और प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स करके बताएं, बहुत शुक्रिया। और ये इस पे मैं डाल दूँगी थोड़ा लेमन जूस।